नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फेसबुक पे सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में हम डेली कैप्सूल डेली लेके आते हैं, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम यूट्यूब के माध्यम से इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज हम 13 मार्च के जो है डेली कैप्सूल के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें करेंट के क्वेश्चन रहते हैं और जीके भी क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य समारोह को कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई। ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य समारोह को कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा, आयोजित करने की जो घोषणा किया गया है वो किया गया है लेह में। कहाँ किया गया है? लेह में। और लेह जो है वो कहाँ है? वो है लद्दाख में, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा लेह लद्दाख में। अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जानते हो आप जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को, ठीक है। अब 21 जून को ही को मनाया जाता है क्योंकि आप जानते हो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन होता है, बड़ा दिन जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है। और हुआ क्या था कि जब सन 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब जब वो यूएन गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ गए थे, तब उन्होंने जब पहला भाषण दिया था तब उन्होंने योग के महत्व को उन्होंने वहाँ बताया था। तो जब योग के बारे में महत्व को उन्होंने बताया तब यूएनओ ने इसको सोचा और यूएनओ ने 2014 में ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन पहला बार जो मनाया कब? तो पहला जो योग दिवस मनाया गया वो 2015 में। देखो, मनाने की जो घोषणा हो गई थी वो 2014 में हो गई थी, लेकिन मनाया 21 जून 2015 को पहला, ठीक है। भारत में मनाया गया कहाँ? तो भारत में जो है पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली में जो है वो राजघाट के ऊपर मनाया गया, ठीक है। दिल्ली में जो है पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो दिल्ली में कहाँ मनाया गया? राजघाट के ऊपर, ठीक है। यूएनओ आ गया, यूएनओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका जो स्थापना हुआ वो हुआ कब? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वो यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और आप जानते हो न्यूयॉर्क के जो किस नदी के किनारे हैं? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये जो 2020 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? लेह लद्दाख में। ये कौन से नंबर का होगा? तो याद रख लीजिएगा, ये छठवां नंबर का होगा, ठीक है। कौन सा नंबर का होगा? छठवां नंबर का होगा। जो लेह लद्दाख में जो अभी होगा 2020 में वो कौन से नंबर का है? छठवां नंबर का है। तो पांचवा नंबर का कहाँ हो गया, तो कहाँ हुआ 2019 में? तो पांचवा नंबर का जो हुआ था वो हुआ था, याद रखना, झारखंड की राजधानी रांची में, ठीक है। अभी जो होगा 2020 में वो छठवां होगा, पांचवा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, ठीक है। और ये जो योग दिवस है उससे संबंधित मंत्रालय कौन है, कौन इसको मनाता है? तो इसका जो मनाते हैं वो आयुष मंत्रालय मनाते हैं, ठीक है। ये आयुष मंत्रालय के अधीन आता है, तो आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। तो अब आयुष मंत्रालय आ गया तो इसके मंत्री पढ़ लेते हैं। आयुष मंत्रालय के जो अभी वर्तमान जो मंत्री है वो है श्रीपद यशो नायक। कौन है अभी? श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक जी जो है अभी वर्तमान में आयुष मंत्रालय में मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। जो कि क्या है? स्वतंत्र प्रभार है। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री है वो है श्रीपद यशो नायक, जो कि स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। यहाँ तक यूएनओ आ गए। यूएनओ का जो महासचिव आप जानते हो एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान जो है क्या है यूएनओ के महासचिव, जो कि कहाँ के हैं? एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? तो ये है पुर्तगाल के हैं वर्तमान में जो है यूएनओ के महासचिव, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, जो लेह लद्दाख आ गया तो लेह लद्दाख के बारे में आपको पता ही होगा। देखो, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, कब बना वो डेट एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको? इसको, एक तो जम्मू एंड कश्मीर को और दूसरा किसको बनाया गया जी? लद्दाख को, ठीक है। और आपको पता होगा लेह लद्दाख की जो राजधानी किसको बनाया गया? लेह को बनाया गया, ठीक है। और जो लद्दाख जो है उनका जो उपराज्यपाल बनाया गया वो किसको बनाया गया? राधा कृष्ण माथुर को, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर को इसको जो है उपराज्यपाल बनाया गया, कहाँ का? लद्दाख का, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इस जो लद्दाख में दो जिले हैं। पहला जिला जो है वो लेह है और दूसरा जिला जो है वो कौन सा है? कारगिल है, ठीक है।
लद्दाख केंद्र शासित जो बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, उसके अंतर्गत दो जिले हैं, पहला जिले लेह हैं और दूसरा जिला कौन सा है, कारगिल है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है, लेह है, भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, लेह है, ठीक है। और अगर हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय पार्क है, लद्दाख में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम याद रख लेना, होमिस राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, होमिस राष्ट्रीय पार्क। और होमिस राष्ट्रीय पार्क इम्पॉर्टेंट इस कारण हो जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बोलेगा तो कौन सा है, होमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। और अगर भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बोलेगा, जो कि अभी के पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था, कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो है उनके बारे में हम एनालिसिस कर लिए, कि जो पहला क्वेश्चन जो था, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य समारोह को कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई, तो इसका आंसर जो है क्या था, लेह लद्दाख था। मैंने ये बताया कि इसको क्यों इस दिन मनाया गया, क्योंकि 21 जून को ही जो जानते हो कि सबसे बड़ा जो है उत्तरी गोलार्ध में ये दिन होता है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहाँ गए थे तब उन्होंने जो है इसके बारे में महत्व को बताया, तब फिर यूएनओ द्वारा घोषणा किया गया 2014 में ही, और जब पहली बार जो मनाया गया 2015 में, कहाँ मनाया गया भारत में, दिल्ली में मनाया गया, दिल्ली में राजघाट में, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का शहर है, जो कि हडसन नदी किनारे है, ठीक है। और जो ये अभी 2020 जो मनाने वाले हैं वो कौन से नंबर के मनाने वाले हैं, जो योग दिवस जो है वो 6वां नंबर का है। 5वां नंबर का कहाँ मनाया है, तो 5वां नंबर का जो मनाया 2019 में वो रांची में मनाया गया। और ये जो है किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में जो आयुष मंत्रालय के जो मंत्री जो है वो श्रीपद यशो नायक, जो कि स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। और लेह लद्दाख में दो जिले आप जानते हो, एक लद्दाख लेह है और दूसरा जो है कहाँ है, कारगिल है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका उपराज्यपाल किसको मनाया गया, राधा कृष्ण माथुर को मनाया गया, ठीक है। और वहाँ का जो जानते हो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, होमिस राष्ट्रीय पार्क। और होमिस राष्ट्रीय पार्क जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जय बांग्ला को क्या घोषित किया है, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने जय बांग्ला को क्या घोषित किया गया, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा, इसको किया गया राष्ट्रीय नारा घोषित किया, ठीक है। वहाँ का क्या घोषित किया जी, राष्ट्रीय नारा घोषित किया है, जो जय बांग्ला को जो है वहाँ का राष्ट्रीय नारा घोषित किया है। देख लेते इसके बारे में, आपको पता है बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश की राजधानी आप सबको पता है, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उसका नाम आपको बहुत फेमस है, वो याद रख लीजिएगा, शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेना, ये जो जय बांग्ला आया है, जो राष्ट्रीय नारा जिसको घोषित किया गया है, उसको वहाँ पे अधिकारियों और वहाँ के जो अध्यापक हैं उनको उपयोग करना एकदम अनिवार्य कर दिया है। जो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय जो जय बांग्ला को जो घोषित किया है राष्ट्रीय नारा, तो जय बांग्ला का जो उपयोग करना वहाँ के अधिकारियों और अध्यापकों को एकदम अनिवार्य कर दिया है वहाँ के हाईकोर्ट ने। अब बात करते हैं कि जय बांग्ला का जो वर्ड है वो कब आया सामने, तो वो आया सामने 1971 में। आपको सबको पता होगा 1971 में भारत और भारत ने जो है पाकिस्तान से अलग कर दिया था, पाकिस्तान से एक अलग देश बनवा दिया था, उसका नाम क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971, 16 दिसंबर 1971 को ही तो बांग्लादेश का उदय हुआ था। और इसी समय जो है उस बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति बने भारत, जो बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने ही तो नारा दिया था जय बांग्ला का, ठीक है। और आपको पता होगा यही शेख मुजीबुर रहमान की बेटी कौन है, वर्तमान जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो जय बांग्ला को क्या घोषित किया है, राष्ट्रीय नारा घोषित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और आपको पता होगा कि ये उच्च न्यायालय हाईकोर्ट अपने हमारे हमारे इंडिया में कितने हाईकोर्ट है, तो अभी कितने हाईकोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है, पहले 24 थे, अब कितने हो गए, 25 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में क्वारंटीन शब्द सुर्खियों में रहा है, यह शब्द किस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देता हूँ मैं, हाल ही में ये जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का,
तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में क्वारंटीन शब्द सुर्खियों में रहा है, यह शब्द किस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जा रहा है। आपको अभी पता होगा, आपको पता होगा कोविड 19 आपको पता है। अभी भारत देश में सिर्फ दो ही चीज़ चर्चे में है, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा जो है एमपी का जो सियासत अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो क्वारंटीन जो शब्द है वह है कोविड 19 से जो ग्रसित जो लोग हैं उनको आइसोलेट करना, उसको अलग थलग करना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलने वाला है, कोरोना से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके आने वाले हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो क्वारंटीन जो वर्ड यूज़ आपने कभी सुना भी होगा न्यूज़ में, तो इसका जो मतलब क्या है, कोविड 19 से जो ग्रसित है उन लोगों को क्या करना, आइसोलेट करना, उसको अलग थलग रखना। इसमें क्या किया जाता है, जब क्वारंटीन जब रखा जाता है, आइसोलेटेड जब रखा जाता है, जब अलग जब रखा जाता है, तो इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखा जाता है वो किसका ध्यान रखा जाता है, वो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का मेन ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और इसमें ये देखा जाता है कि वो जो है कोई आयोजन में शामिल ना हो, ठीक है। आपको पता होगा जो कोविड 19 है उसको जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित कर दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। और आपको ये भी पता होगा कि जो कोविड का फुल फॉर्म क्या है, कोविड 19 जो घोषित किया गया है WHO द्वारा, कोरोना वायरस डिसीज़, कोविड जो आप बात करते हैं कोविड में इसका क्या है, कोरोना वायरस और डिसीज़, ठीक है। आपको पता होगा इसका जो प्रारंभ जो हुआ, ऐसा माना जाता है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो चीन के वुहान शहर से हुआ है। इसका जो प्रारंभ हुआ है कोविड का, कोरोना वायरस का, इसका जो है क्या है, चीन के वुहान शहर से हुआ। और ये वर्तमान में अधिक सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो देश है, टॉप थ्री देश, वो कौन सा है, वो चीन है, इटली है और ईरान है। ये तीन देश बहुत ज़्यादा प्रभावित है कोविड से, ठीक है। हमारे भारत में भी इसका मामला आ गया है, फैल गया है, इससे हमारे बोलेंगे तो पूरा भारत अभी इससे जो है लड़ रहा है। भारत में जो है पहला केस जो आया था आप जानते हो केरल में आया था, भारत में जो पहला केस जो आया था कोरोना वायरस का वो केरल में आया था, जिसको तुरंत बाद जो है केरल की सरकार ने उसको राजकीय आपदा घोषित कर दिया था, ठीक है। केरल में पहला मामला आया था, लेकिन हमारे भारत में इससे मृत्यु भी स्टार्ट हो गया है। पहला जो मृत्यु हुआ था वो याद रख लीजिएगा, पहला जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, याद रखना। केरल में स्टार्ट हुआ था, आरा पहला मामला संदिग्ध मिला था यहाँ, लेकिन मौत जो हुई थी, मृत्यु जो हुई वो कर्नाटक में मिली, और दूसरी जो मृत्यु हुई है हाल ही में वो कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई थी। दो मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। इसका जो लक्षण क्या है, लक्षण जो है निमोनिया की तरह है, खांसी बुखार, ये इनके जो है क्या है लक्षण है, ठीक है। बात आ गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे, इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ, इसका जो गठन हुआ है 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ, कब हुआ WHO का गठन, 7 अप्रैल 1948 को। और इसी कारण तो आप जानते हो कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को WHO का गठन हुआ था, इसका कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो है जिनेवा में, कहाँ है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल ही में क्वारंटीन शब्द सुर्खियों में रहा है, यह शब्द किस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वारंटीन शब्द का उपयोग यह होता है कि जो कोविड 19 से जो ग्रसित है उसको क्या रखना है, अलग थलग रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसको जो है BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा PV सिंधु। इसका आंसर आएगा क्या, PV सिंधु। PV सिंधु को जो है क्या घोषित किया गया है, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया है। आपको पता है PV सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाली है, भारत के अंदर किस राज्य से है ये, तो ये है भारत के हैदराबाद से। कहाँ से है ये, हैदराबाद से है। और इस PV सिंधु का जो कोच है वो कौन है, पुलेला गोपीचंद। PV सिंधु जो है उनके जो है कोच का नाम क्या है, पुलेला गोपीचंद,
ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जो पीवी सिंधु है उसका उपनाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है पीवी सिंधु को, तो पीवी सिंधु को बोला जाता है सिल्वर गर्ल। क्या बोला जाता है? सिल्वर गर्ल। क्यों बोला जाता है सिल्वर गर्ल? क्योंकि आपको पता होगा कि 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में, 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था उन्होंने? रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इस कारण उसको क्या बोला जाता है जी, उनको बोला जाता है क्या, सिल्वर गर्ल बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, किसे बीबीसी स्पोर्ट्स वन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया, तो पीवी सिंधु है। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर। हाल ही में सरकार द्वारा जनगणना कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में जो है जनगणना का जो कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दो चरण। क्या आएगा? दो चरण आएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। आपको पता होगा जनगणना जो है वो प्रारंभ कब से हुआ, तो प्रारंभ जो हुआ है वो 1872 से हुआ है। 1872 में जो जनगणना हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको पता होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन ये जो है अब बोलेंगे तो नियमित नहीं था, स्टार्ट हो गया था लेकिन नियमित रूप से, दशकीय रूप से, वो ऑफिशियल रूप से ये कब से प्रारंभ हुआ, तो याद रखना 1881 से प्रारंभ 10-10 साल में होना स्टार्ट हुआ। इसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना कब प्रारंभ हुआ, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन दशकीय या नियमित कब से प्रारंभ हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें है, ले सकते हो आप, कि जो जनगणना जो होने वाली है अभी कब होने वाली है, 2021 का, तो ये जो 2021 का जो जनगणना होने वाली है वो कौन से नंबर का जनगणना होगी, तो याद रखना है वो कौन से नंबर की है, 16वीं नंबर की जो जनगणना है। ठीक है, कब की है? 16वीं है। और आपको पता होगा 2011, इसके पहले जो हुआ था 2011 में, 10 साल पहले, वो जो है कौन से नंबर की थी, तो वो होगी कौन से नंबर की, 15वीं नंबर की। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है कि कितने चरणों में होगी, तो कितने चरण की होगी, दो चरण की होगी। आपको पता होगा पहला जो चरण है, पहला जो चरण है वो कब से प्रारंभ होगी, वो प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से। और जो दूसरी जो चरण है, जो दूसरा जो चरण है वो प्रारंभ होगी 9 फरवरी 2021 से। ठीक है, पहला जो चरण होगा वो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगी, और दूसरी जो चरण होगी वो 9 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी। और ये भी डिसाइड किया गया है कि पूरा जो जनगणना है वो पूरा कंप्लीट जो किया जाना है वो 28 फरवरी 2021 तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो हमारा जो 16वीं जो जनगणना है 2021 का, उसको 28 फरवरी 2021 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और आपको इसमें एक और बात जो आपको न्यूज़ में सुनने को मिल जा रहा होगा कि इसमें जो है किसका यूज़ किया गया आएगा, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड का जो है यूज़ किया जाएगा। इसका पहली बार कब बनाया गया इसको, तो इसको बनाया गया कब, 2010 में। ठीक है, कब बनाया जाएगा इसको, 2010 में। और आपको पता होगा कि NPR है ना, NPR में जो क्या देखा जाएगा, भारत के जो नॉर्मल जो नागरिक है उसकी पूरी जो है उनकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी, क्योंकि ये अभी खबरों में बहुत है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो NPR का जो यूज़ है ना, या NPR कहाँ लागू नहीं होगा भारत के अंदर, तो वो याद रख लेना कहाँ पे, असम में। ठीक है, भारत में जो है कहाँ लागू नहीं किया जाएगा, वो असम में। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, दो क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो छठवां और सातवां जो है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के लिए केंद्र सरकार के वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को किस खेल का ट्रेनिंग सेंटर चुना गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस खेल को जो है उसको चुना गया है। आपको पता है कि 2024 का जो होने वाला है ओलंपिक, पहले तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीरंदाजी। क्या आएगा? तीरंदाजी। तीरंदाजी खेल के लिए जो है छत्तीसगढ़ को चुना गया है। ठीक है, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। आपको पता है 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है कहाँ में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो 2024 के जो ओलंपिक होंगे उसमें भारत के पदक जीतने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के जो युवा एवं खेल मंत्रालय हैं, कौन सा, भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय ने ये डिसाइड किया है कि वन स्टेट वन गेम, क्या है, वन स्टेट वन गेम, इसका मतलब एक राज्य एक खेल,
इसके तर्ज पर जो है खेलों को चुना गया है, जिसमें आपको पता है छत्तीसगढ़ को किसके लिए चुना गया, तो छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी के लिए चुना गया, क्योंकि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ जो है सॉरी तीरंदाजी जो है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन शैली पर बसा हुआ है। जो तीरंदाजी जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के जीवन शैली पर बसा हुआ है। एक और बात याद रखना, छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी के लिए दिया गया है, और हमारे पड़ोसी राज्य जो मध्य प्रदेश है, हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, उसको जो है किसके लिए चुना गया है, निशानेबाजी के लिए चुना गया है। याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश को किसके लिए चुना गया है, निशानेबाजी के लिए चुना गया है, और हमारे छत्तीसगढ़ को किसके लिए चुना गया है, तीरंदाजी के लिए चुना गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो अभी जो उसके अध्यक्ष जो हैं वह हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में जो है कौन है हमारे युवा खेल मंत्रालय मंत्री कौन है, तो आपको पता है उमेश पटेल जो है इसके मंत्री हैं। कौन है, उमेश पटेल छत्तीसगढ़ के युवा एवं खेल मंत्रालय में मंत्री हैं। ठीक है, और 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 का भी जो आयोजन होगा ओलंपिक का, वो भी घोषणा हो गया है। 2028 का जो होगा वो अमेरिका के शहर लास एजेंस में होगा। 2028 का जो होगा वो कहाँ होगा, लास एजेंस में जो है इसका जो होगा। ठीक है, 2028 का जो होगा, 2024 का कहाँ होगा, पेरिस में होगा, और 2028 का जो होगा वो कहाँ होगा, लास एजेंस में होगा, ये अमेरिका का जो है शहर है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो जानते हो कि तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अलंकरण सम्मान दिया जाता है, तो किस जो तीरंदाजी के जो क्षेत्र में जो दिया जाता है उस सम्मान को बोला जाता है प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, काकती वंश के राजा इस शासक, इसके नाम पर जो है दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में राज्य अलंकरण। जब दिया जाता है प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें आप याद रखना है, इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है दिया जाता है। कितना देता है, 2 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। और लास्ट टाइम जो है किसको मिला था 2019 का, वो याद रख लेना, वो किसको मिला था, गिरिवर सिंह को मिला था। ये कहाँ के हैं, तो गिरिवर सिंह जो है कहाँ के हैं, बिलासपुर के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, बिलासपुर के, पैरा तीरंदाजी के लिए इनको मिला था। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस हमने कर लिया। ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। क्या है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा सही आंसर वो किसके अंदर आएगा, अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी। ठीक है, अनुविभागीय दंडाधिकारी के सामने ये शपथ लेते हैं। आपको पता होगा कि वर्तमान में जो है जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। कैसे किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, क्योंकि पहले जो इसके पहले जो होता था वो अध्यक्ष का चुनाव जो होता था वो प्रत्यक्ष रूप से होता था। और अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो वहाँ भी अध्यक्ष का चुनाव पहले प्रत्यक्ष रूप से होता था। नगर निगम की बात करें तो महापौर का जो चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर दिया है। और ऐसा करने वाले छत्तीसगढ़ कौन नंबर का राज्य बन गया, वो तीसरे नंबर का राज्य बन गया। इसके पहले जो है राजस्थान मध्य प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं, जिसमें जो है नगरीय निकायों के जो मेन जो है प्रमुख है उनका चुनाव जो है किस प्रकार से कर दिया गया, अप्रत्यक्ष कर दिया गया। इसका मतलब जो चुने हुए पार्षद हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष या महापौर बनाया जाएगा। ठीक है, इसका जो है आयु आप जानते हो, पहले जो था कि पार्षदों का जो है मिनिमम जो आयु लड़ने का था 21 वर्ष, लेकिन अध्यक्ष का जो था जब अब जो प्रत्यक्ष होता था तो 25 था, लेकिन चूंकि अब पार्षदों से ही चुना जाना है अध्यक्ष, इस कारण जो है अध्यक्ष का भी जो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो है इन्हीं में से चुना जाएगा, इस कारण अध्यक्ष का जो न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, अनुविभागीय दंडाधिकारी। ठीक, चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर वुड्स को 2021 के वर्ग गोल्फ हॉल में शामिल किया जाने की घोषणा किया गया, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में टाइगर वुड्स को 2021 वर्ग के गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा किया गया, ये कहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो याद रखना ये प्रतिनिधित्व करते हैं अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के बारे में देखें तो अमेरिका की राजधानी आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी। अमेरिका जो राजधानी है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे, तो वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी किनारे है।
वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक डीसी नदी के किनारे है। और आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका में जो है कुल कितने प्रांत हैं, तो उसमें 50 प्रांत हैं। अमेरिका में कौन सा है? 50 प्रांत हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति आप सबको पता है कौन है, जो अभी आए थे? डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और वहाँ का जो संसद है, वो संसद जो है क्या क्या नाम है वहाँ के संसद का नाम? कांग्रेस। अमेरिका के जो संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है, तो वो कौन सा है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहा है, इसका क्या है ये? ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय विभिन्न कारणों में सुर्खियों में रहा है, यह है, मतलब ये किसके अंदर आता है? प्रवर्तन निदेशालय जो है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो याद रखना, ये जो आता है वो वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाली निकाय है, संस्था है। इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी जो है ये सुर्खियों में रहा है, आपको पता होगा अभी जो सुर्खियों में रहा है वो बैंक का नाम क्या है? यस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक? यस बैंक। यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। यस बैंक का जो स्थापना हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था यस बैंक का, वो हुआ था 2004 में हुआ था। यस बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 2004 में हुआ था। इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? राणा कपूर। यस बैंक का जो संस्थापक कौन है? राणा कपूर। इसका जो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में है। और आपको पता है ये किस चीज़ से जूझ रहे हैं अभी? ये जो है नकदी संकट से जूझ रहा है। यस बैंक जो है किससे जूझ रहा है? नकदी संकट से जूझ रहा है। और इसी नकदी संकट को उबारने के लिए आरबीआई जो है रिजर्व बैंक, उन्होंने कहा है कि एक महीने में यस बैंक से जो है मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। इमरजेंसी में एक महीने में मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 50,000 ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा प्रवर्तन निदेशालय, जो प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी है ना, इसी बोलते हैं ईडी। तो ईडी जो है किसको जो है? राणा कपूर, जो क्या जो संस्थापक है राणा कपूर, इनको जो है हिरासत में ले लिया। राणा कपूर को इन्होंने क्या के लिया? हिरासत में ले लिया। और किसने ले लिया? ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने ले लिया। ये प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन काम करता है? ये काम करता है किसके अधीन? वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। और आपको पता होगा वर्तमान जो वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान जो वित्त मंत्री वो है निर्मला सीतारमण। वर्तमान जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, और आपको पता होगा ये जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इसका जो स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ 1956 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है ईडी का? वह है दिल्ली में है। ठीक है, इसका काम क्या है? जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी, उसका काम क्या है? इसका काम ये है कि काला धन को, जो काला धन होता है, काला धन को वैध बनाने या वैध कोई करता है उसको क्या करना? रोकना। ईडी का काम है काला धन को कोई वैध करेगा उसको रोकना। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? काला धन को वैध करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जिसका आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा? मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोला जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसको जो है रोकना, ये ईडी का काम है। ठीक है, तो और ये भी पता होगा आपको, ईडी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, जो डायरेक्टर है वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय मिश्रा जी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्य कला शक्ति क्षमताओं एवं क्षमताओं का प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्य कला शक्ति क्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन आपको पता होगा, इसका जो किया जाएगा वो किया जाएगा कहाँ में? चेन्नई में। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? चेन्नई में। देख लेते हैं इसके बारे में। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सामाजिक न्याय, क्या देखना पड़ेगा? सामाजिक न्याय अधिकारिता जो है मंत्रालय में मंत्री कौन है? इनका जो मंत्री है वो कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत, जो इनके जो है क्या है? मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्य कला। दिव्य मतलब ये किस लोगों के लिए है? तो ये है दिव्यांगों के लिए। इनके लिए है? दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांग मतलब जो है अभी जो यूज़ किया जा रहा है दिव्यांग वर्ड, वो किन के लिए यूज़ किया जा रहा है? विकलांगों के लिए। ठीक है, इसमें जो है ये है कि वो अगर अक्षमता है ना, क्या लिखा हुआ है? अक्षमताओं है ना, उनमें भी क्या रहती है? हुनर रहती है। तो उन हुनरों को
तलाशने के लिए यह कार्यक्रम किया गया, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको ये हुनरों को तलाशने के लिए ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है, जिसका शीर्षक क्या रखा गया है, जिसका शीर्षक रखा गया है दिव्य कला शक्ति अक्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन। तो ये कहाँ आयोजन किया गया है, ये कहाँ ये आयोजन किया गया, कहाँ में, चेन्नई में। और आपको ये भी पता होगा चेन्नई को क्या बोला जाता है, चेन्नई को बोला जाता है भारत की मेडिकल सिटी, चेन्नई को जो क्या बोला जाता है भारत की मेडिकल सिटी कहा जाता है, ठीक है। चेन्नई जो है किसकी राजधानी है, चेन्नई जो राजधानी है वो किसकी है, तमिलनाडु है। चेन्नई जो है किसकी राजधानी है, तमिलनाडु है। और आपको पता होगा तमिलनाडु के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जो है इसके जो है वर्तमान में जो है क्या है, राज्यपाल है किसके, तमिलनाडु के। और आपको ये भी पता होगा वहाँ का जो मुख्यमंत्री है कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वो है पलानी सामी, कौन है, पलानी सामी जो है तमिलनाडु क्या है मुख्यमंत्री है। और आपको ये भी फेमस होगा कि वर्तमान में जो है अम्मा कैंटीन योजना, अम्मा कैंटीन योजना ये कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये अम्मा कैंटीन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ, वो तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और तमिलनाडु का जो है राजकीय पशु क्या है, तो तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वह है नीलगिरी ताहर, क्या है, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर जो है वो क्या है वहाँ का जो है तमिलनाडु का क्या है राजकीय पशु है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है लोकसभा की सीट कितना है, तो तमिलनाडु में जो लोकसभा की जो सीट है वो है 39 लोकसभा की सीट है, और वहाँ राज्यसभा का जो सीट कितना है तमिलनाडु में वह कितना है, 18 है, ठीक है। लोकसभा की सीट कितना है, 39 है, और राज्यसभा की सीट कितना है, 18 है, ठीक है। आपको एक चीज़ और आपको पता होगा कि तमिलनाडु में फेमस जो है, तमिलनाडु में ही फेमस जो है आपको पता होगा, तमिलनाडु में फेमस एक जो आयोजन होता है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू जो आयोजन होता है, तो जल्लीकट्टू आयोजन में जो हुआ था उसमें आपको पता है 3 युवक जो है उनकी जो है इसमें मृत्यु हो गई। जो जल्लीकट्टू जो आयोजन होता है, जल्लीकट्टू आयोजन में मुख्यतः होता क्या है, उसमें जो होता है सिंह के जो होता है बैल होता है उसके सिंह में जो होता है पैसों की जो है पोटली रख दी जाती है, और उसमें जो है जो खोलेगा वही उसको जीतता है। तो इसमें जो है जो दौड़ हुआ था या जल्लीकट्टू जो हुआ था उसमें 3 युवकों की जो मृत्यु हो गई थी, याद रखना तमिलनाडु का क्या है, जल्लीकट्टू। और अभी हाल में ही कम्बाला दौड़ हुआ था, क्या हुआ था, कम्बाला, वो कम्बाला कहाँ का है, तो वो है कर्नाटक का, ठीक है। कम्बाला भी अभी फेमस में रहा है, कम्बाला दौड़ कहाँ का है, कर्नाटक। जल्लीकट्टू का कहाँ है, जल्लीकट्टू किसका है, तो वो है कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का। और आपको पता होगा वहाँ के जो, वहाँ का जो मदुरई शहर है, कहाँ का, तमिलनाडु का, मदुरई शहर को क्या बोला जाता है, उसको मंदिरों का शहर बोला जाता है। तमिलनाडु का जो है मदुरई, उसको क्या बोला जाता है, मंदिरों का शहर बोला जाता है। और वहाँ तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पोंगल उत्सव, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। अगर आपको हमारा ये पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।